लगा दिया ऊपर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो आपने देखा होगा जो दो बुजुर्ग लोगों ने ओडिया फेस्टिवल के लोंगकोई हो से रिलेटेड सारा डिटेल्स कहानी आप सभी को बता दिया गया। और अब चलते हैं ओडिया फेस्टिवल जो कि अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर एक बार फोटोशूट पे चलेंगे। अभी यहाँ का जो डांस गाने जो अभी स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी से टाइम मिला है हमें, तो तब तक हम यहाँ पे फोटोशूट के लिए जा रहे हैं और थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाएंगे, फोटोशूट करेंगे और जगह का सिनेरियो को थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देंगे। जब भी आप लोग कभी इधर आए तो ये साइड पे ज़रूर आना, बहुत सुंदर सा जगह है। सभी मेरे घर के परिवार के बच्चे लोग हैं और इन लोगों के साथ हम जा रहे हैं। वाकई बहुत सुंदर जगह है। एक्चुअली ये जो पत्थर देखने में सिंपल सा पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हर कोई यहाँ पे बैठने का अलाउ नहीं है, सिर्फ राजा महाराजा जा लोग ही बैठ सकते हैं। इधर से होके चानू बस्ती जाते हैं यहाँ से, और आगे से जो देख रहे हैं वो चोपनू विलेज, थोड़ी सी दूर हाफ किलोमीटर की दूरी है यहाँ से इस पॉइंट से। हेलो हीरोइन, अभी अभी आया है इसके लिए हम लोग रुक रहा था, अभी पहुंचा हम, ये हीरोइन जो इसके लिए इंतजार करते करते हम लोग देर हो गया। मेरी बोलो तो पैक पैक बोलो बोलो जो भी बोलो बोलो कहते बोला पैक 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 इसको बोलो इसका इसका नाम तो पैक पैक है ना। नहीं पापा पापा आपको लगा से। सो गाइस, हमने बहुत सारा फोटो शूट किया है, उसे मैं फेसबुक पे पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पे, तो जाकर मेरा फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। पहले जब यहाँ से गाड़ी का जो रास्ता नहीं था, जब तो यहीं से आना जाना करते थे, ज्यादा पड़ता था फिर भी, और अभी तक यहीं से आना जाना करते हैं। दोस्तों, आप लोग कभी दिन यहाँ चप्पल वाले से इस जगह पर जरूर आइए, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, काफी ठंडी जगह है, इधर से हवा। हर अलग अलग गांव के जैसे मिले
डांस करते हैं। देख सकते हो आप ओणा फेस्टिवल फेस्टिवल है। अभी तीनों कॉलोनी के लोग हैं ये, और आगे तीसरा कॉलोनी के लोग मिलेंगे। कॉलोनी के लोग अभी यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी कल से आ रहे हैं तीनों कॉलोनी के लोग। तो यही बाउंड्री है और तीनों और तीसरा का जो यही नाला है, और यहाँ से उधर तीसरा कॉलोनी है और इधर से इस तरफ तीनों कॉलोनी। तो ये है काफ़ी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि चौबनू ओणा फेस्टिवल जो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे से छोटे बच्चे सभी यहीं पे आए हुए हैं। दोस्तों ये तिंगनू और टिंगसा के बाउंड्री है, जो तिंगनू के लोग डांस करते हुए यहाँ पहुँचे और टिंगसा के लोग भी पहुँचे। इसके बाद यहाँ से फिर अपने अपने साइड पे चले गए और रात होते ये लोग फिर राजागढ़ पे जाके डांस करेंगे। फिर हर एक घरों पे ये लोग सीरियल वाइज डांस करते हैं। भाई
काका का कर ले लंबा लंबा सुन अच्छा वहां पे जो है वहां पे कुछ ये कभी कहां गए रास्ता ले ऐसे ऐसे रास्ता तो भूल गए हम खोते हैं ओ आ वा अच्छा अच्छा और ये तब पूरा ढीली पूरा तक लाखन और पहले खाओ तो इस वक्त हम तिंसा कॉलोनी के ग्रुप के साथ हैं और इसके बाद थोड़ी देर पर हम फिर जाएंगे तीनों कॉलोनी डांस ग्रुप के साथ तो मेरा साथ कंटिन्यू बने रहो तो यहाँ देख सकते हो सभी लड़की बच्चे बूढ़ी डांस ग्रुप के पीछे पीछे सभी जा रहे हैं सभी कलरफुल ड्रेस के साथ तो इस तरह से हमारा वांचो कम्युनिटी में बहुत ही कलरफुल होता है अभी कहाँ जा रहा है हाँ अभी कहाँ जा रहा है अभी हम हो जाएगा वहाँ जाके कहाँ जाएगा हाँ वहाँ से आएगा तो ये है तिंसा कॉलोनी के लोग थोड़ा पहले जो तिंगू से लोग देखे थे और ये है तिंसा कॉलोनी के सो इतना कलरफुल ड्रेस और इतना कल्चर बहुत अच्छा कल्चर जो सिर्फ हमारा वांचो में ही किया जाता है और ये सब सिर्फ केवल आप मेरे ही चैनल में देखने को मिलोगे कोई भी चैनल में आपको इस तरह का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा से आए हैं और फेस्टिवल के लिए चोपनू पे कैसे लगा अल्पति जी बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा ना और पिछले साल भी आए थे आप और फेस्टिवल यहाँ रोज आते हैं फेस्टिवल होने से हम बहुत फुर्ती है सच का भी बहुत तगड़ा है बहुत काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है जैसे कि वांचो में हर एक गाँव पे इसी तरह से ही फेस्टिवल मनाया जाता है आपने किन किन गाँव का फेस्टिवल देखा इस तरह से ये आगे लोअर वांचो में आपका रूसा देखा है चोपनू देखा है जुनू देखा है बांकेरा यूनू देखा है वनू देखा है कानवा ओलिंगटोंग देखा है बहुत अच्छा है ना बहुत अच्छा लगा और जैसे लगता है पिछला बार से भी इस बार का ओरिया फेस्टिवल जो है चोपनू में काफ़ी अच्छा है बहुत काफ़ी अच्छा चलो चला है रमा सोचा खो अरे सोचा खो सुन थे खोन का हाँ मैं
जैसे आपने देखा कि वहाँ वो बाउंड्री थे हिंसा के, हिंसा करने के लोग वहाँ डांस करते हैं तो अभी हम तिंगनो कॉलोनी डांस ग्रुप के साथ पहुंच चुके हैं और दोस्तों बने रहो मेरे साथ। कौन से ग्रुप के डांस ज़रा अच्छा लगे आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, जहां तक सकेगा मैं कवर करूंगा। काफी अच्छा
अभी का जो ये डांस ग्रुप जो है कहाँ तक नाचने वाला है कंटिन्यू तो कंटिन्यू जो बोले ये अभी लोकोई तो नाच है ना तो ये चीज़ लोकोई तो नहीं जाएगा लेकिन राजा घर में खत्म करेगा राजा घर अभी जाने वाला है राजा घर में जाएगा राजा घर में जाएगा तुमसे घर में जाएगा और कंटिन्यू भी जाएगा और इसका पूरा मेरे जिससे मैंने उसमें समाप्त करेगा इसका पूरा मेरे रात को जो नाचते हैं वो तो पूरे अलग नाचेगा अलग से नाचेगा अलग गाना नाचेगा अलग नाचेगा अलग गाना नाचेगा कौन से गाना गाता है उसमें जैसा कि हम लोग का तो बाजू में अलग अलग गाना होता है वाजा होता है किस टाइप का गाना गाता है एक गाना सुनाए तो किस टाइप का गाना गाता है बुरा लोग का गाना जो मैंने हम भी इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन हम मैंने बुरा सा गाना सुना देते हैं ना थैंक यू सर काफ़ी इंटरेस्टिंग अंकल फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीसरा दिन को यानी कि आज को डीमी आथुट करते हैं यानी कि कल से जो आज का डांस है थोड़ा अलग है। जो घर घरों में डांस करते हैं उससे मैं कैप्चर नहीं कर पाया, जो ग्राउंड और जो सड़कों पे डांस किए हैं उसी को सिर्फ मैंने कैप्चर कर पाया। सो दोस्तों ये था चोबनू का जो ओरे फेस्टिवल। जो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने हर एक ग्रुप पे।
दोस्तों चोमनी ओरे फेस्टिवल इतना में ख़त्म करते हैं, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।